हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। आज मैं आपके साथ मीशो से ख़रीदी कुछ कुर्तियों का रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि मैंने अंडर ₹300 में परचेज किए हैं। सो वो कुर्ती कैसी है, उनकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या नहीं, ख़रीदने के लायक है या नहीं, वो सब कुछ आगे चल के मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट गेट स्टार्ट। फर्स्ट तो ये कुर्ती है जो मैंने मीशो से परचेज की है। इसका कलर कुछ जो पिस्ता एंड स्काई ब्लू मिक्स कलर है, सी ग्रीन इसका कलर है, देख सकते हैं। एल्बो स्लीव्स है इसकी और इस तरह से राउंड नेक एंड की होल पैटर्न दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये एक बटन है, ये ओपनेबल बटन है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप, ये ओपनेबल बटन है। इसका पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा है, पास से देखिए। और इस पे ये जो दिया है, ये प्रिंट है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, धोने के बाद निकलने वाला नहीं है। एक्चुअली मैंने इसे दो बार वॉश भी किया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये कुर्ता है। इसके साथ कोई पैंट मुझे रिसीव नहीं होती, ये कुछ मुझे 280 रुपीज़ या अंडर 300 रुपीज़ ही है ये कुर्ता। एस साइज़ में मैंने इसे परचेज किया था, हाँ, लेकिन ये कुर्ता धोने के बाद श्रिंक होता है, तो आप अपने साइज़ से एक साइज़ बड़ा परचेज कीजिए। बाकी इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है, समर में पहनने के बहुत अच्छा है, आप इसे एनी टाइम पहन सकते हैं। लाइट वेट है और लुक वाइज भी बहुत अच्छा है। कैसा दिखता है वो आपको ट्राई ऑन में दिख रहा होगा, पहनने पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें और भी कलर ऑप्शंस है, लेकिन मुझे ये कलर अच्छा लगा तो मैंने परचेज कर ली। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कुर्ता है, ये मैं आपको 100% रिकमेंड करती हूँ फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर से ज़रूर परचेज कीजिए। और नेक्स्ट है ये कुर्ता, इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है और ये भी अंडर 250 रुपीज़ में मैंने इसे परचेज किया है, और ये भी समर में पहनने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले तो मुझे इसकी स्लीव्स बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसीलिए मैंने इसे परचेज किया था। इसकी स्लीव्स को हम ऐसे इसे नॉट दी है, तो इस तरह से गैदर्स बनते हैं इसकी स्लीव में, ये नॉट को खींच के बांधने पर, जो पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी फुल स्लीव्स है, लेकिन ये नॉट बांधने पे ये एल्बो स्लीव्स बन जाती हैं, देख सकते हैं नॉट पे इस तरह से लटकन दिए हैं। लटकन की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और नॉट की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसका भी राउंड एंड ऐसे वी शेप में बनाया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने इसे एम साइज़ में परचेज किया था, एस साइज़ इसमें अवेलेबल नहीं था, और मुझे ये कुर्ता बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने इसे एम साइज़ में परचेस किया। और इस पे ये जो आप देख रहे हैं वाइट कलर का, ये कोई प्रिंट नहीं है, ये धागे से किया हुआ वर्क है, जो धोने के बाद निकलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसको भी मैंने एक टाइम पे वॉश किया है, ये श्रिंक भी होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। और अंडर 250 रुपीज़ में इतना अच्छा कुर्ता वर्थ बाइंग है फ्रेंड्स। अगर आप इसे पहन के कहीं जाओगे तो डेफिनेटली आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, ऑब्वियसली मुझे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले। इसमें और भी कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मुझे येलो कलर पसंद आया तो मैंने इसे येलो कलर में परचेज किया है। आपको जो भी कलर पसंद आए आप उसे परचेज कर सकते हैं, और अदरवाइज़ इसका पहनने के बाद लुक कैसा आता है वो आप ट्राई ऑन में देख ही सकते। बाकी 100% रिकमेंड मैं करूँगी आपको ये कुर्ता। और हमारी इस हाउल वीडियो का ये लास्ट कुर्ता है, इसका भी C
सी ग्रीन कलर है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। 3/4 इसकी स्लीव्स है और इसकी स्लीव्स पे इस तरह का एम्ब्रॉयडरी का और एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग दी है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये छोटे छोटे सीक्वेंस लगाए हैं जो कि इसकी स्लीव्स का लुक बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। पूरा ही कुर्ता सॉलिड है। इसके नीचे आप प्रिंटेड प्लाजो, लेगिंग्स या कुछ और भी पहन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। इसका भी नेक राउंड है और ऐसे वी शेप बनाए हैं और नेक पे इस तरह की नॉट लगाई हैं जो आप इसे टाई अप करके पहन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और इसके योग पार्ट पे इस तरह की एम्ब्रॉयडरी एंड ये छोटा छोटा सीक्वेंस का वर्क दिया है जो कि पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो आपको ट्राई ऑन में देख ही रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छी और रिजनेबल कुर्ती है ये, मुझे अंडर 200 रुपीज़ में मिली है। फ्रेंड्स, आप सोच भी नहीं सकते 200 रुपीज़ में आजकल क्या मिलता है। और इसका मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें मैंने एस साइज़ परचेज किया है, सो आपके साइज़ से एक साइज़ बड़ा परचेज कीजिए, क्योंकि इसे भी मैंने एक बार वॉश किया है तो ये भी श्रिंक हो चुका है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने साइज़ से एक साइज़ बड़ा परचेज कीजिए ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए। ये थी हमारी हाउल वीडियोज़ की 3 कुर्तीज़। आपको इनमें से कौन सी कुर्ती पसंद आई वो मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं ऐसे ही नए वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसे लगी। बाय बाय।